इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और हर रोज मैं आपके लिए नई से नई जानकारी लेके आता रहता हूँ वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम किसी भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन की कोई गारंटी वारंटी आपको नहीं देते हैं। हमारा काम होता है आपके लिए हर रोज नई से नई जानकारी देना। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो वो आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपके लिए हर रोज नई से नई जानकारी लेके आना है, ना कि किसी भी कंपनी में आपको जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए दोस्तों आप कहीं भी जुड़ने से पहले या निवेश करने से पहले उसकी गहनता से छानबीन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन ठगी भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम आपको पहले से सावधान करते हैं। दोस्तों अगर आपने डिस्क्लेमर ध्यानपूर्वक देख लिया, सुन लिया, समझ लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्त, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेस्ट फॉर्मूला। कलर प्रोटेक्शन गेम जितने भी फ्रेंड खेलते हैं उन सभी के लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में भी लेकर आए हैं कुछ टिप्स जो आप देख सकते हैं वहाँ पर, और विशेष टिप्स यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ। तो न्यू फ्रेंड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल घंटी को दबा कर रखें, क्योंकि हम इस टाइप के फॉर्मूला हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे आपकी अर्निंग बढ़ सके। जैसा कि दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि कुछ फ्रेंड अलग अलग प्रकार के गेम खेलते हैं, जैसे बिग डैडी, दमन, बिग विन है ना, ब्रासी लॉटरी, तिरंगा, बिग गोवा, बिग मुंबई, इस टाइप से अनेकों प्रकार के जो है ना ढेर सारे, या टीसी लॉटरी, ढेर सारे जो है ना कलर प्रोटेक्शन गेम है जो सभी फ्रेंड अलग अलग प्रकार के खेलते हैं। बट उससे कोई लेना देना नहीं है, सबका पैटर्न एक ही प्रकार के हैं, ठीक है दोस्त। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं, उस टिप्स को आप देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करें, नहीं अच्छा लगता है तो मत करें, है ना। लेकिन ये है कि जो भी गेम खेल रहे हैं तो आप सावधानी से खेलें, क्योंकि वहां पर रिस्क है। तो एक चीज और जानते हैं कि जहाँ रिस्क है वहीं फिक्स है, तो आप खेल रहे हैं तो सावधानी से खेलें और कुछ टिप्स को फॉलो करके खेलें। तो जैसा कि दोस्त हम आपको बतलाना चाहेंगे, जो भी आ रहा है, जैसा कि अगर स्मॉल बिग स्मॉल अगर खेल रहे हैं तो जो भी आ रहा है उसी पर चलें, ठीक है दोस्त। जैसे बिग आया तो बिग लगाएं और स्मॉल आया तो स्मॉल लगाएं, यही बेस्ट फॉर्मूला है। इसमें आप एक जगह फेल होंगे, जब बिग स्मॉल जो कंटिन्यू देती है वहां पर आप फेल हो सकते हैं। तो वहां पर भी एक तरीका है कि जब ऐसा पैटर्न अगर आ जाए है ना, तो आप कुछ देर के लिए रुकेंगे है ना, उसके बाद ऐसा आए तो इस समय आप किसी एक को पकड़ कर चले जब तक वो पैटर्न टूट ना जाए, जब तक वो पैटर्न चेंज ना हो जाए तब तक जो है एक ही सीरियल से चले। नोट, बैकअप के साथ ही खेलिए दोस्त, है ना, क्योंकि अपनी पूंजी को गंवाना नहीं है, इसलिए इतना छोटा अमाउंट लगाएं है ना, जिसके चलते आपका बैकअप बचा हुआ रहे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर मिल जाएगी। और कोई भी कलर प्रोटेक्शन गेम है जो कि एक खजाना है जिसमें आप जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। दोस्तों एक बात याद रखना है, जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए जो मौका मिला है उसका पूरा फायदा उठाएं और जितना चाहे कमाएं। तो डिस्क्रिप्शन भी चेक करें, और भी ढेर सारे गेमिंग, जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से और भी वीडियो देखकर सीख सकते हैं और खेल सकते हैं। और जरूरी टिप्स मैं बताना चाह रहा हूं दोस्त कि आप 10,000 या उससे बड़ा फंड रखें। क्यों? क्योंकि आपका बैकअप 10 बार का बैकअप होना जरूरी है, 10 बार का बैकअप बनाकर ही खेले। सरकार लगातार न खेले, 1-2 बार फेल होने के बाद रुक जाए और गेम को समझ कर खेले। डेली का मात्र 3-5% का ही टारगेट रखे दोस्त, ठीक है। टारगेट पूरा होने के बाद न खेले। कितना प्रॉफिट करना है वो आपके बस में नहीं है, लेकिन कितना लॉस करना है वो आपके बस में है। इसलिए 15% से ज्यादा का लॉस न करें, स्टॉप लॉस लगा कर रखें, ठीक है दोस्त। एक टारगेट लगा के रखें कि अगर लॉस होगी तो सिर्फ इतना ही लॉस होगी, अगर प्रॉफिट करना है तो सिर्फ इतना ही प्रॉफिट करना है, उसके बाद गेम प्ले नहीं करेंगे, फिर कल के डेट में करेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद कभी भी बड़ा बेट न लगाएं, जब भी खेलें 10 बार का बैकअप के हिसाब से ही खेलें। कभी भी गेम के अपोजिट ना चले, जो आ रहा है उसी के साथ अच्छा है। एक बात याद रखें, ये गेम है, यहाँ हार जीत लगा रहता है, जितने की खुशी होती है दोस्त उतना ही हारने की गम भी होती है। इसलिए आप बैकअप बचा कर चले और छोटा छोटा कदम ही उठावे दोस्त, ठीक है, और अपनी रिस्क पर ही खेले। आप रोज नहीं जीत सकते हैं, कभी हार भी होता है दोस्त। 30 दिन में अगर आप 20 दिन भी जीत रहे हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, ओवरऑल महीने के अंत में प्रॉफिट होना चाहिए। तुरंत न खेले दोस्त, ठीक है, तुरंत न खेले, थोड़ा समझे फिर खेले, सिर्फ खेल नहीं समझ कर खेले, ठीक है दोस्त। हमेशा जीतने के लिए खेले, हार से डरे, क्योंकि अगर हारने के डर से खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे, ये भी ध्यान में रखना है दोस्त, ठीक है। हमेशा जीतने के लिए ही खेले और हार से डरे, डरना जरूरी है, लेकिन अगर आप हारने की डर से नहीं खेलेंगे
तो फिर जीतेंगे कैसे, ये भी बात है। आप यहाँ अमीर बन सकते हैं, 12 पैसा कमा सकते हैं, कोई भी एक दिन में कामयाब नहीं होता है, लेकिन लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे दोस्त। जल्दी हार न माने, है ना, लगे रहें, आप यहाँ ज्यादा और जल्दी पैसा कमा सकते हैं दोस्त, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो लॉस होता है उसका कारण हम खुद हैं, जैसे खुद की गलती से सीखे, एक बार की गई गलती को दोबारा न करें, खुद की गलती से सीखे, एक बार हो गई जो गलती उसको दोबारा नहीं करना है, हमेशा 10 बार का बैकअप बनाकर ही गेम खेले, एक बार में 12 बेट न लगाएं, गेम को समझकर रुक रुक कर खेले, लगातार न खेले, टारगेट बनाकर खेले, टारगेट पूरा होने पर न खेले, 5-10% बहुत है डेली का, 12 रिचार्ज करके खेले, छोटा प्रॉफिट निकाले, ये गेम पूरा माइंड गेम है, माइंड को रिलैक्स करके ही खेले, गुस्सा में आ रहा 12 बेट न लगाए, उतना ही 12 बेट लगाए जिससे आपका दिल न धड़के। जी हाँ दोस्त, आप उतना ही बैट लगाए जिससे आपका दिल शांत रहे, ना कि आप जो है ना पूरा के पूरा जो है ना बैट में ही लगा दें, ठीक है दोस्त। तो हमेशा अपना बैकअप लगा कर खेले, हमेशा अपना बैकअप रखें, पूरी फंड को दाव पर नहीं लगा दे दोस्त, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्त, और भी जो कमेंट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। चलिए, तब तक दीजिए मनोज को इजाजत, जय हिंद, जय भारत।